ये चाउमीन को मिक्स करके बढ़िया से बनाया गया है, इसमें विनेगर सोया सॉस वगैरह मिला करके और वेजिटेबल सूप भी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज आपके सामने पेश है बढ़िया फर्स्ट क्लास ये घर की बनी चाउमीन, जिसे मेरी भाभी माँ ने बनाया। ये देखिए, ये बढ़िया सा इसमें जो है शिमला मिर्च है, टमाटर है, पत्ता गोभी है, प्याज है, सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिला करके बढ़िया से बनाने के बाद में चाउमीन को मिक्स करके बढ़िया से बनाया गया है। और ये है वेजिटेबल सूप, ये देखिए, ये वेजिटेबल सूप। इसमें जो है गाजर है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, इसमें भी शिमला मिर्च है और इसमें विनेगर सोया सॉस वगैरह मिला करके, सारी चीज़ें मिला करके ये वेजिटेबल सूप बनाया गया है। और चाउमीन का प्रोसेस तो आप सभी को पता भी होगा कैसे बनता है, तो सोया सॉस विनेगर वगैरह सब इसमें भी पड़ा हुआ टोटल, ये देखिए। और हाँ दोस्तों, यदि मेरी इस वीडियो को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और यदि इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो करें। जब आप लाइक फॉलो करते हैं तो वो हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं बढ़िया सा। वाह, चाउमीन भी जोरदार बना है और वेजिटेबल सूप भी। वाह, इसको लपेटा ऐसे। मंतान, क्या गाना बंद करो, ये ऐसा भी चला रही है? गाना बंद कर दे भैया, बर्बाद अब हम बेकार हो गया आपका। अच्छा, कट भी तो कर देंगे। हाँ दोस्तों, छोटी बच्ची है, घर में मोबाइल पे गाना वाना सुन रही है। और YouTube क्या है, सीधे कॉपीराइट क्लेम मार देगा भाई। अदर म्यूज़िक कंपनियों का YouTube पे सीधे कॉपीराइट क्लेम आता है। बैकग्राउंड में भी फिल्मी गाने वगैरह के म्यूज़िक नहीं आनी चाहिए। दोनों ही चीज़ें बहुत लाजवाब बनी हैं, एकदम बढ़िया।
पहले इसे ही समाप्त कर देते हैं। वाह, दोस्तों घर की बनी बढ़िया चाउमीन बहुत ही बेहतरीन बनी थी, जिसमें गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी वगैरह, सोया सॉस, विनीगर वगैरह सब कुछ डाल करके बढ़िया से बनाया गया, बहुत ही बेहतरीन बना है। और ये वेजिटेबल सूप तो वैसे भी लोगों को पीना ही चाहिए, क्योंकि गर्म भी होता है और गर्म गर्म कोई सूप वाटर भी जाता है तो सारे पोषक तत्व तो मिलते ही हैं, इससे फैट भी कम होता है, तो इसका सेवन तो हम सभी करना ही चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये सहयोग की मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। तो दोस्तों फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।